हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5 बजे का। तो यार आज मैं थोड़ा जल्दी उठाऊँ ताकि मैं आप लोगों को दिल्ली का सनराइज़ दिखा सकूँ। तो अभी वहाँ से उगेगा सूरज पूरा, ठीक है, वहाँ से सूरज निकलेगा। तो बस शुरू हो चुका है क्योंकि चिड़ियों की चहचहाट शुरू हो चुकी है। लेट्स सी, तो आप लोग इन्जॉय करो सनराइज। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था आप लोगों को दिखाऊँगा, लेकिन जब भी उठता हूँ सूरज मेरे से पहले उठ जाता है। तो चलो आज मैं थोड़ा जल्दी उठा, चलो तो आप लोग एंजॉय करो दिल्ली का सनराइज। फाइनली हम हो चुके नहा धोके एकदम तैयार, ठीक है, और चलते हैं अब नीचे, देखते हैं मम्मी क्या बना रही नीचे देखवा से। और यहाँ हो रही गणित की पढ़ाई सुबह सुबह, ठीक है, चलो चलते हैं फटाफट। ओके चलो, तो पापा ने लंच बनाया था और यार सलाद और क्या बनाया, देखें सब्जी में क्या है, सब्जी देखो दाल लगे, कौन सा दाल होता है, राजमा गोहत की दाल है, गोहत नहीं मिक्स दाल है, मिक्स है गोहत, गोहत की दाल है पूरी, राजमा भी है कुछ में, हाँ एक दो राजमा बाकी गोहत की दाल है, दो नहीं मतलब मिक्स। आज तो मजा आने वाला है, चलो हम खाते हैं फटाफट। अबे क्यों खा रहा है भाई, भात के रखा है ऐसे नहीं खाना से क्या, लहसन का नमक, स्पेशल नमक, स्पेशल नमक होता है ये, स्पेशल लहसन का नमक, पहाड़ों का नमक, खुशबू आकर आप घूम सकते हैं, इतनी प्यारी खुशबू आती है इसमें क्या बताएं। चलो पहले हम खाते, खाना भूख लग रही है ना, चलो तब तक खाना खाने के बाद मिलते हैं आपसे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे। मैं गोपाल की लाइन बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं सुन सुन के मुझे याद हो गई है उसकी लाइन। और जैसे कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन का टाइम है और काफ़ी सिचुएशन ख़राब चल रही है कोरोना के चलते बाहर, तो आप लोग सब अपना ध्यान रखें और सेफ रहें। हमारे घर के दो सदस्य हैं, कपिल और संजय, जिनको दोनों को काफ़ी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब है और वो उनको फीवर है दोनों को, और हम प्रे करते हैं कि वो दोनों जल्दी से ठीक हो जाए। और लॉकडाउन के चलते हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं दूसरे से, और इसलिए हमारे पास कोई खास कंटेंट भी नहीं हो रहा है आजकल गोपाल के पास। हम लोग जब साथ में होते हैं तो हम काफ़ी इन्जॉय करते हैं। और चलो मैं आपको भाभी से मिलाती हूँ। देखो भाभी बस दिन भर खाना ही बनाती रहती हैं और कुछ नहीं करती है, क्या करती हैं देखो अभी भी खाना बना रही हैं। हम लोगों को छत पे जाना था क्योंकि छत पर इस टाइम पे मौसम सही रहता है, बट आजकल थोड़ा सा गर्मी भी हो रही है, ऊपर जाते हैं तो हमको गर्मी लगती है और फिर ऊपर जाके मास्क भी लगाना पड़ता है हम लोगों को। तो मैं अपना मास्क निकाल लेती हूँ ऊपर के लिए ताकि हम मास्क लगा के ऊपर जाएं। कि नवीन सिंह है, देखो नहाता नहीं है लेकिन बालों को ऊपर से ऐसे हाथ जरूर ऐसे ऐसे करता है ताकि ये हैंडसम लगे, बट इसकी गलत फहमी है, ये हैंडसम नहीं लगता। इंस्टाग्राम पे देख लो जी, इंस्टाग्राम पे देख लो उसकी फोटोज एडिटेड होती हैं और कितना कौन सा वाला फिल्टर यूज करता है ये भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो गाइस हम लोग चलते हैं ऊपर, ऊपर जाके मास्क लगाना पड़ेगा, बदतमीजी बच गया ठीक है। मम्मी काम कर रही है अपना, पापा भी अपना काम करे, जॉनी भी आ गया है, अंकल जी नमस्ते। और ऊपर तो बहुत गर्मी हो रखी है, क्या हुआ, अंकल जी भी है, आंटी नमस्ते, बुरी आंटी बहुत दूर बैठी हैं अपने घर में बैठे बैठे पूंछ मत पकड़ा कर, और ये जॉनी कह रहा है कि मेरी पूंछ पे कुछ नहीं कर दो
बैठे हैं चाचा चाची दूर से। हाँ ये आ चुका है, और जैसे कि हमने आपको बताया कि आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि कब से संजय को ऑलरेडी फीवर है घर, और उनको काफी दिन हो चुके हैं, उन लोगों सात आठ दिन हो चुके हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मास्क जरूर लगाइए। हालांकि मैंने नहीं लगाया, मेरे को बहुत आफत आती है लगाने में, लेकिन उसे लगा लूंगी। अगर उसे लगा लूंगी तो मैं बोलूंगी कैसे, और मैं बोलूंगी तो आपको समझ में कैसे आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मैं नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे आई हूँ भाई। और पता है देख मैं कितनी गोरी लग रही हूँ। गोपाल का हेलो सुन सुन के आप लोग बोर हो गए होंगे, इसलिए मैं आपको बोल देती हूँ हेलो गाइस। गोपाल मैंने तेरी वाली लाइन भी बोली है, इसमें पता है कौन सी? आई होप वाली। आई होप आप अच्छे होंगे। लेट्सी नहीं बोला, कोई बात नहीं, लेट्सी मैं बोलने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो हमने मास्क लगा लिया है क्योंकि यहाँ पर देखो जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है। अगर आपको अपने आप से बचना है, दर्शन तो दिख ही नहीं रहा, खैर वो बंदर है क्या दिखेगा। ये देखो ये विजय भी आ गए बाहर से, और विजय भी उधर मत जाओ, इधर रख दो सामान, इसको सैनिटाइज करो, उसके बाद नहा लो। ये अपने ऑफिस से आ रहे हैं क्योंकि इनकी कोई छुट्टी नहीं है। कैसे हो आप सब लोग? हाँ हमने पूछ लिया है कैसे आप अपने आप को नहाओ कर। नमस्कार दगड़ियों, जैसे कि तुमको ये बात बता दी हूँ आज, और हम लोग आपको मैं हिंदी में बताती हूँ, हम लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो आज हम ब्लॉगिंग करेंगे अपनी उत्तराखंड लैंग्वेज में, ठीक है। तो थुलाक पहला और नानतिनाक क्यूकनी जूजा जूजा ऑब्वियसली जूजा, और जो हम बराबरी थी उनको खोड़ छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। तो देखिए जैसे बतू तुमको एक बात बता लूं, तू हंसनी करनी पे मैं के एक बात बता लूं, चल झंगे चल झंगे। तो देखिए आज हम लॉगिंग करूंगे पहाड़ी लैंग्वेज में, तो वो मम्मी मात बड़ी चाह रहे हैं। मम्मी तुम क्या चाह था? नबू जा दी जरा है, और मम्मी चाह रहे हैं, और कशी चाह रहा है, देखो तो जहाँ गिने मम्मी रह गई मम्मी, और केकू भैया आप केकू हूँ छह दिन। तो भाई लोगों का टाइम हो चुका है शाम का, और हम सब लोग छत में बैठे हुए आराम से, और दिखा दो ऊपर चांद भी आ चुका है आज, क्योंकि आज हम लेट नहीं हुए गए थे, दस कुछ काम करते उसमें रह गए, तो ब्लॉग बनाने टाइम लगा। अभी सब लोग बैठे हैं, पापा चाचा और मम्मी बात कर रही है। मम्मी आपसे बात कर रही है उस टाइम पे? अच्छा ताई से बात कर रही है। मम्मी अपने सारे सर निपटा देती है करके, है ना। ये ना हमारे जो गांव में नाम है चारकोट धमोल, ये सब नाम है जहाँ पे हमारे मौसी ताई जी लोग रहते हैं। हाँ चाचा आप बताओ किससे से बात करिए आज? अपनी बहन से, एक देहरादून वाली बहन से। क्या कहाँ का रहते हैं आपकी बहन? है एक देहरादून रहती है, एक गाँव के मूलचंद। ओके आपकी बहनों के बहुत माल पड़ा हुआ है पैसा। और अपने चाची को किया देहरादून। ओके तो आज मतलब चाचा ने टोटे और रिश्तेदारों निपटा दिया ना। देखो उधर पीछे मम्मी अपने रिश्तेदारों में भी निपटाने लगी पड़ी है। ये सब लोग फोन कर रहे हैं कौन कैसा है क्या है क्या नहीं है। अच्छा मुझे पूजा करनी है। देखो चांद पूरा आ गया, तो अब चाची करेगी पूजा। पूजा भी करनी है। तो आपने दिनों कुछ कहा? शाबाश बहुत बड़ा बहुत बढ़िया। दीदी ने एक पेंटिंग बनाई है और दीदी बोलिए खराब हो गई है। दीदी दिखाना जरा। और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है ये खराब कहाँ से हो रही है, इतनी अच्छी पेंटिंग लग रही है। दीदी आपको क्या लगता है कहाँ से खराब हुई होगी? मतलब जितनी हमें भी बताओ एक्सपेक्टेशंस थी ना उस हिसाब से नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसको फाड़ा नहीं है, तो फाड़ देती हूं मैं। ओ भाई साहब इसको दोबारा से हम लोग कल रिक्रिएट करेंगे। ओके इसके बाद इसकी वीडियो बनाएंगे, इसके बाद हम इसको अपलोड करेंगे और आप लोग जरूर देखिएगा। ओके ओके नाना मैं क्या कहना चाहोगे अभी कोरोना चला इस बारे में? मतलब कुछ मैसेज लोगों को? मास्क लगाओ और घर में अंदर भीतर रहो। ओके मतलब अंदर ही रहो, मास्क लगाओ और अवश्य करो और और अच्छा खाना खाओ जिससे यूनिटी तेज हो, है ना। और भीड़ वाले एरिया में बिल्कुल मत जाओ, भीड़ भरा एरिया में न जाओ,
बिल्कुल। तो भाई लोग आप लोगों को भी ये फॉलो करना है, ठीक है ना, तो सब लोग फॉलो करो यार, तभी तो सब लोग सेफ रहोगे ना। इसमें बड़ी बड़ी मात्रा में भी तरह से चल रही है। आप तो गांव में फैलने लग गया यार पूरा, इस बार तो उत्तराखंड में बहुत बुरा हाल चल रहा है अभी, जबकि वहाँ लोग भी दिखते, पता है वहाँ रोड पे चलोगे ना कोई एक गाड़ी नहीं दिखेगी, नहीं वहाँ पे इतना बुरी मात्रा में फैल रहा है, कैसे फैल रहा है। तो इसलिए सब लोग सेफ रहो और सुरक्षित रहो और सब लोग घरों में रहो। तूने मैं खिलाना था बेटा, लेकिन तुम्हें खिलाया नहीं, जो कल से बोला था मैं खिलाऊंगा लेकिन इसने नहीं खिलाया। कल पक्का देखते हैं, कल भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं, एक दिन और रुक लेते हैं। अच्छा तो हमने, अच्छा ये अपनी वीडियो बना रहा है, वॉइस दे रहा है अभी, वो वॉइस में मैंने इसके बारे कितने टेक ले लिए, 200 टेक ले लिए, 200 टेक ले लिए, 200 टेक के बारे में नहीं होता, अब नहीं होता, हो जाएगा आज लास्ट टेक उसका खत्म कर दूंगा समझ लिया। तो ये था दोस्तों हमारा आज का ब्लॉग, तो आप सभी का हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताएं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते तो भाई लोग यार फटाफट वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी, और वीडियो को शेयर करना है मेरे भाई लोग, ठीक है, और जो घंटे का आइकन है उसे दबा दो फटाफट, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। और कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप सेफ रहो, सुरक्षित रहो, अपने अपने घरों में रहो यार, और अपने अपने घर वालों को बहुत सारा ख्याल रखो, ये बहुत जरूरी है इस टाइम पर। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।